नमस्ते। कोरोना वायरस की वजह से हम सब अपने घरों में बंद होने पर मजबूर हो गए हैं, तो ऐसे में लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज निर्वाण योग में मैं प्रिया आपको बताऊंगी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जिनसे आप अपने दिमाग को शांत और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप योग सीखना चाहते हैं पर लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर जल्दी हमें संपर्क करें और अपना टाइम स्लॉट बुक करके अपने योग के सफर को शुरू करें। ये अभ्यास सबके लिए हैं, जैसे जो लोग जॉब करते हैं उनके स्ट्रेस और टेंशन को दूर करते हैं, बुजुर्ग जो कठिन अभ्यास नहीं कर सकते इसीलिए सुबह शाम टहलने के लिए घर से बाहर जाते थे पर अब घर में ही बंद हैं, ये उनके लिए भी लाभदायक हैं, और स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी ये बहुत लाभदायक है। सबसे पहले जानते हैं कि इन योगिक प्रैक्टिसेस का हमारे दिमाग या हमारे शरीर पर असर किस प्रकार होता है। जब भी हम किसी पैनिक सिचुएशंस में होते हैं तो हमारे एंजाइटी या टेंशन की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, भूख या तो बहुत ज़्यादा लगती है या लगनी बंद हो जाती है। ये योगिक प्रैक्टिसेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑपोजिट पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर इन दोनों सिस्टम्स को बैलेंस करती है। पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग को शांत करता है और हमें टेंशन और स्ट्रेस से दूर रखता है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्चते, यानी बैलेंस, इवननेस ऑफ माइंड। हर हाल में अपने आप को संयम में रखना, इमोशंस और डर का बैलेंस करना, यही योग है। आज हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का और कुछ देर ध्यान। अगर आप योग में नए हैं और योग करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और बेसिक योग की क्रियाओं से अपने योग के अभ्यास को शुरू करें। सबसे पहला अभ्यास जो हम करेंगे वो है अनुलोम विलोम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, जैसे पद्मासन, सुखासन या अर्ध पद्मासन। अनुलोम विलोम के लिए अपने दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएंगे। इसके लिए अपने हाथ की पहली दो उंगलियों को बंद करके अपना अंगूठा और बाकी दोनों उंगलियां खोल के रखेंगे। आपका बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में होगा। अपनी दाईं नासिका को बंद करके अपनी बाईनी नासिका से श्वास भरेंगे, बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से प्रश्वास करेंगे। उसके पश्चात बाई नासिका को बंद रखते हुए दाई नासिका से फिर श्वास भरेंगे और दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से प्रश्वास करेंगे। यह हुआ इसका एक चरण। इसी तरह इसके पांच चरण और करने हैं। अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए हम षण्मुखी मुद्रा का प्रयोग करेंगे। षण्मुखी मतलब ऐसी मुद्रा जो हमारे छह द्वारों को बंद करती है, जिनके द्वारा हम बाहरी दुनिया से अपने आप को जोड़ते हैं। ये छह द्वार हैं आपकी दो आंखें, दो कान, नाक और आपका मुंह। इन छेद द्वारों को बंद करने से हम अपने ध्यान को बाहर की ओर जाने से रोकते हैं, जिससे हमारा ध्यान और गहरा लग सके। इससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ती है। तो देखते हैं षण्मुखी मुद्रा कैसे करते हैं। अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद करना है, अपनी तर्जनी उंगली से अपनी आंखों को बंद करना है, अपनी मध्यमिका उंगली से अपनी नाक को बंद करना है, अपनी अनामिका उंगली को अपने होंठ के ऊपर और अपनी कनिष्ठ उंगली को अपने होंठ के नीचे रखना।
ये थी षणमुखी मुद्रा। अब इसी मुद्रा की मदद से हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। षणमुखी मुद्रा करने के बाद श्वास भरनी है और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की आवाज निकालनी है। एक बार देखते हैं कैसे करना है। ये भ्रामरी प्राणायाम का एक राउंड हुआ। इसी तरह अगले 5 राउंड और करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में जो भ्रमर की आवाज हम उत्पन्न करते हैं उससे हमारे दिमाग में नई वाइब्रेशंस निकलती हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, पूरे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है। इसीलिए भ्रामरी प्राणायाम कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, शरीर में नई ऊर्जा उत्पन्न करता है और सारी नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल के सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अगर किसी को षणमुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम करने में किसी तरह की परेशानी आती है तो वो बहुत आसान तरीके से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपनी तर्जनी उंगली से अपने कान को बंद करके श्वास भरें और प्रश्वास करते हुए भ्रमर की आवाज निकालें। इस तरह से भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आज की सबसे आखिरी प्रैक्टिस जो हम करेंगे वो है ब्रेथ अवेयरनेस की प्रैक्टिस, यानी हमें सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान लगाना है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, अपने कंधों को रिलैक्स करके कमर गर्दन सीधी रखेंगे और अपनी आंखें कोमलता से बंद करेंगे। अब अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान लगाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिसेस, ये अभ्यास पसंद आए होंगे और आप इनका अभ्यास रोज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।